सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी लोग, होप करता हूँ कि सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे एक नई गेम प्ले सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मॉडल मैनेजर सिमुलेटर। बेसिकली इस वाली गेम में हम लोगों को खुद का एक होटल ओपन करना है, जिसको कि यहाँ पे हमें 0 स्टार टू 5 स्टार रेटिंग को लेके जाना है। साथ ही में हमारा यहाँ पे एक शॉप भी होने वाला है और उसके साथ में एक गैस स्टेशन भी होने वाला है। बहुत से यहाँ पे हम लोग चीज़ें करने हैं इस वाले गेम में। तो गेम प्ले जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आप जो कि एंड तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं होता चैनल को जो कि ज़रूर से सब्सक्राइब करना। अब से इस वाली जो कि चैनल पर रेगुलरली जो कि इस वाली गेम प्ले की सीरीज़ आएगी। तो चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पे जो कि गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा जो कि यहाँ पे प्लेयर बस में बैठ के जो कि है अपने मोटे की तरफ जा रहा है, और आप लोग यहाँ पे जो कि व्यू देख सकते हैं, पहाड़ी इलाके में हमारा जो कि यहाँ पे होटल होने वाला है। तो आ चुका है हमारा यहाँ पे मोटेल, देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है बाहर पे। ये वाली जगह है शायद, यहाँ पे हमें हमारा जो कि है होटल स्टार्ट करना है इस वाली एरिया में जो कि है। तो बस से हम लोग यहाँ पे जो कि उतर चुके हैं एंड बस भी हमारे यहाँ पे जा रही है। तो करंट टास्क, रीड द लेटर, शायद कोई लेटर है उसको हमें पढ़ना है। My grandson, what took you so long? If you're reading this, it means I'm long dead. I just want to tell you that I'm proud of you and I know you will take care of yourself. That's why I left you nothing. I've decided to leave this letter for you in this abandoned place for no reason at all. तो basically ये जो कि ये player का grandfather है, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, वो player के लिए अपने यहाँ पे जो कि ये letter छोड़ के गया है कि इस वाले जगह को संभाले। तो चलिए भाई संभालते हैं और देखते हैं भाई दादाजी ने क्या छोड़ा है हमारे लिए। तो current task is to turn on the power. तो हमने यहाँ पे जो कि power को टर्न ऑन कर लिया है। सेट अप योर कंप्यूटर, हैंग द आउटलेट ऑन द वॉल, प्लग द कंप्यूटर। तो अभी यहाँ पे जो कि हमारा ऑफिस है शायद से ये, और हमारा जो कि मॉडल का नाम डेंजोन मॉडल है। तो रूम के प्राइजेस भी यहाँ पे जो कि ये बोर्ड है, फॉर 24 आवर्स, सिंगल रूम $100, डबल रूम $120 का है। तो प्राइजेस को हम लोग यहाँ पे जो कि ज़्यादा कम कर सकते हैं शायद। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ये सारी चीज़ें वो हम लोग यहाँ पे डंप करते हैं डस्टबिन में। अरे भाई साहब, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो कि है ये वाली जगह गंदी है, तो सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे क्लीन करना पड़ेगा। तो डस्टबिन लेता हूँ मैं, क्लीन करते हैं सभी चीज़ों को। शायद डस्टबिन में छोटी छोटी चीज़ें ही आएंगी, ये कार्टन वगैरह नहीं आएंगे डस्टबिन में शायद से। तो अभी इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जो कि डंप करते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है मैंने, तो इनको भी यहाँ पे जो कि फेंकते हैं। बहुत ज़्यादा जो कि यहाँ पे गंद पड़ा हुआ है, तो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे जो कि ऑलमोस्ट कलेक्ट कर ली हैं। ऑफिस हमारा जो कि यहाँ पे क्लीन हो चुका है, बस अभी हमें डस्टिंग करनी बाकी है। और हमारे पास यहाँ पे जो कि 3 रूम्स हैं, जिनकी भी हालत बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो रखी है, तो उनको भी हमें क्लीन करना पड़ेगा। और जल्द से जल्द हमको हमारा होटल यहाँ पर जो कि है स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट, तो अभी यहाँ पे जो कि एक पावर स्विच को हमें यहाँ पे वॉल पे कनेक्ट करना होगा, और यहाँ से जो कि एक, अरे भाई पीसी उठा लिया हमारे प्लेयर ने, तो यहाँ पे मैंने जो कि पीसी को लॉक यहाँ पे कॉर्नर में सेटअप करते हैं। यहाँ से जो कि हमें कस्टमर्स को कीज़ देनी पड़ेगी। तो ओके, हमने यहाँ पे जो कि अपना पीसी जो कि सेटअप कर लिया है। होल्ड लेफ्ट कंट्रोल टू पिकअप मोर देन वन ऑब्जेक्ट, यू कैन लॉक ऑब्जेक्ट टू मार्क देम एज नॉन पिकेबल। ओके, तो यहाँ पे जो कि है कुछ इंस्ट्रक्शंस थी। करंट टास्क, प्लेस 2 सीलिंग लैंप्स ऑन रूम 1
find two ceiling lamps in the warehouse, hang them in room 1. तो room 1 को हमें शायद ready करना पड़ेगा अब. तो हमें यहाँ पे जो कि है ceiling lamps को जो कि place करना है. पहले तो हम लोग यहाँ पे जो कि इसका गंद कलेक्ट करते हैं. ओके, तो इतना गंद हमने यहाँ पे जो कि कलेक्ट कर लिया है. जितने भी तीनों ही रूम एक साथ हम लोग यहाँ पे क्लीन करते हैं. जितने भी चीज़ें इसमें आ सकती हैं हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, और वो जो कि यहाँ पे ट्रैश बैग में कन्वर्ट हो जाएगी. तो फटाफट से मैं यहाँ पे जो कि ये फ्लोर्स को क्लीन करता हूँ. तो यहाँ पे जो कि चार बैग्स हमने यहाँ पे ट्रैश कलेक्ट कर लिया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डंप करके आते हैं फटाफट से. तो मैंने वहाँ पे जो कि डंप कर दिया है. बाकी तो यार ये कार्टन्स वगैरह हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे फटाफट से कलेक्ट करते हैं. अभी हमने यहाँ पे जो कि फर्स्ट रूम को हमारे क्लीन कर लिया है. सेकेंड रूम को भी मैं यहाँ पे जो कि ये क्लीन कर लेता हूँ. यहाँ पे भी जो कि बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, तो इसको भी मैं यहाँ पे जो कि साथ में कलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी डंप कर देता हूँ फटाफट से. यहाँ पे भी जो कि बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, तो इसको भी फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं. तो अभी जो कि हमारा ट्रैश बॉक्स जो कि है भर चुका है. तो बाकी रूम्स हम लोग बाद में देखते हैं. अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे वेयरहाउस को मैंने एक्सेस कर लिया है. सीलिंग लैंप्स हमें यहाँ पे प्लेस करनी है. एक तो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी, दूसरी सीलिंग लैम्प को यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है. अभी चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और मेरे पास एनर्जी है, तो देखते हैं काम करते हैं. जब तक यहाँ पे क्या रूम लैम्प्स हो गई हैं, ड्रावर इलेक्ट्रिक. वेयरहाउस को चेकआउट करना पड़ेगा मेरे. वेयरहाउस कहाँ पे है हमारा, ताकि मैं चांस हूँ कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. गेट द फ्लोर पीसेस एंड पेंट बकेट्स फ्रॉम द वेयर हाउस. बिल्ड द फ्लोर, बिल्ड रूम फ्लोर, इक्विप द पेंट रोलर एंड पेंट द वॉल्स एंड द सीलिंग. तो वेयर हाउस से हमें यहाँ पे जो कि है पेंट वगैरह कलेक्ट करके पेंट करना है. तो ये है हमारा वेयर हाउस. तो यहाँ से मेरे को फ्लोर फ्लोर के लिए चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली हैं, और साथ ही में हमने यहाँ पे जो किया है पेंट भी ले लिया है. इसको लेके जाता हूँ मैं अंदर के साइड में. यहाँ पे चीज़ें प्लेस कर देते हैं. पहले तो यहाँ पे जो कि फटाफट से हम लोग रोलर लेते हैं अपना. शायद से ये ब्लैक पेंट है या वाइट है, पता नहीं चल रहा है. वाइट है. यहाँ पे लाइट को ऑन करता हूँ मैं. हाँ, अभी दिख रहा है ना पेंट. तो फर्स्ट रूम हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कि पेंट हो चुका है. सारी वॉल्स मैंने यहाँ पे जो कि पेंट कर ली है फर्स्ट रूम की. हमारी सीलिंग पेंट करता हूँ.
सीलिंग भी हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कि डन हो चुकी है। अभी यहाँ पे वॉशरूम को हमें पेंट करना होगा, तो वॉशरूम भी फटाफट से पेंट कर लेते हैं। वॉशरूम की सारी वॉल्स यहाँ पे मैं फटाफट से पेंट कर लेता हूँ। पेंट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो मेरे को वेयर हाउस से पेंट लाना पड़ेगा। यहाँ से ही मैं डायरेक्टली वेयर हाउस को जो कि एक्सेस करके पेंट ला सकता हूँ। पेंट शायद मैं यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता, तो वेयर हाउस को फटाफट से जाते हैं और फटाफट से पेंट लेके आते हैं। तो पेंट मैंने यहाँ पे जो कि कलेक्ट कर लिया है, चलते हैं फटाफट से यहाँ पे जो कि फर्स्ट रूम हमारा रेडी करते हैं जल्दी से, ताकि हम लोग यहाँ पे जो कि थोड़ी बहुत अर्निंग कर सके। हमारे पास सिर्फ वाइट ही पेंट है, तो दूसरा कलर भी हम लोग यहाँ पे ऑर्डर करेंगे बाद में। वाइट भी सही दिख रहा है पेंट। तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे जो कि ये बाथरूम भी पेंट हो गया, रेडी हो चुका है। तो हमने यहाँ पे जो कि बाथरूम को भी पेंट कर लिया है। अभी बाहर की जो कि यहाँ पे साइड पेंट करते हैं। तो बाहर की साइड भी हमारी डन हो चुकी है फर्स्ट रूम की। तो हमारा जो कि फर्स्ट रूम यहाँ पे पेंट हो गया, रेडी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्लोर भी यहाँ पे जो कि ये यूज़ करना है, मतलब फ्लोर को भी यहाँ पे तो हमने यहाँ पे जो कि ऑलमोस्ट फ्लोर भी हमारा जो कि ये कंप्लीट कर लिया है। अंदर के साइड में भी ये फ्लोर मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे हो सका तो। तो हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लोर बच चुका है, तो मेरे को फ्लोर ऑर्डर करना पड़ेगा शायद से, और बेड वगैरह ऑर्डर करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे जो कि मोटेल है, मोटेल का ये नाम है डेंजोइन मोटेल, तो इसको मैं चेंज करके AU मोटेल रखता हूँ। तो इसको यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। और हमें यहाँ पे जो कि डिलीवरीज में इक्विपमेंट्स में जाना पड़ेगा, और यहाँ से हमें बेड वगैरह और कर्टन्स वगैरह बहुत सी चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो बेड वगैरह हम लोग यहाँ पे एक डिसेंट से मंगाते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं मंगाएंगे। तो ये वाला जो कि डबल बेड है, एक डबल बेड मैंने ऑर्डर कर लिया है, साथ ही में एक सिंगल बेड मैंने ऑर्डर कर लिया है। सिंगल बेड हम लोग फर्स्ट रूम में डालेंगे, और डबल बेड हम लोग यहाँ पे जो कि सेकंड रूम में डालेंगे। और बेड शीट्स मैंने यहाँ पे जो कि है ब्लैक कलर की दो ऑर्डर कर ली हैं, और यहाँ पे ब्लैंकेट्स भी हमें ऑर्डर करने पड़ेंगे अच्छे रेट वाले। हम लोग मतलब मिनिमल प्राइस वाले ब्लैंकेट्स वगैरह ऑर्डर करेंगे। ये वाले मैं ऑर्डर कर लेता हूँ दो, बिकॉज़ यहाँ पर हमारे दो जो कि रूम्स रेडी होने वाले हैं। और पिलोज़ भी मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। पिलो में हम लोग यहाँ पे जो कि ये वाला पिलर पिलो यहाँ पे हम लोग चार ऑर्डर कर लेता हूँ। मैं तीन मैक्सिमम मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। और डोर्स मेरे को ऑर्डर करने पड़ेंगे। ये वाला $19 का डोर है। अंदर वॉशरूम के लिए हम लोग $19 के दो डोर्स ऑर्डर कर लेते हैं, और बाहर के लिए हम लोग ये वाला $66 के दो डोर्स हम लोग यहाँ पे जो कि ऑर्डर कर लेते हैं। और सीलिंग लैम्प मेरे को दूसरे वाले रूम में भी लगाने पड़ेंगे, तो दो सीलिंग लैम्प्स मैं यहाँ पे ऑर्डर कर लेता हूँ। और बाथटब भी हम लोगों को चाहिए होगा, तो एक डिसेंट सा ये वाला हम लोग यहाँ पे जो कि बाथटब ऑर्डर कर लेते हैं। सिंक में हम लोग ये वाला सिंक ऑर्डर करते हैं। टॉयलेट भी हमको ऑर्डर करना पड़ेगा, तो ये वाला हम लोग यहाँ पे जो कि टॉयलेट ऑर्डर कर लेते हैं। टॉयलेट पेपर भी ऑर्डर कर लेता हूँ मैं। हीटर भी चाहिए होगा, तो दो हीटर भी यहाँ पे हो गए हैं। कर्टन्स 1, 2, 3, 4 कर्टन्स मैं कर लेता हूँ। $700 का हमने यहाँ पे जो ये चीज़ें ऑर्डर कर ली हैं अब।
और चेयर भी चाहिए होगी रूम में, तो दो चेयर्स मैंने ऑर्डर कर लिए हैं। रूम लैंप नहीं चाहिए, टेबल नहीं चाहिए, डेस्क क्लोज सेट भी नहीं चाहिए, ड्रॉअर नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी नहीं चाहिए, कारपेट भी नहीं चाहिए हमें। और ये वाला होल्डर हम लोग यहाँ पे जो की है ऑर्डर करते हैं एक टॉयलेट पेपर होल्ड करने के लिए, ये वाला जो कि मेरे को सही लग रहा है टॉयलेट पेपर होल्ड करने के लिए, दो मैंने यहाँ पे जो कि इसको ऑर्डर कर लिया है। और टॉवेल के लिए हम लोग टॉवेल के लिए भी हम लोगों को यहाँ पे एक होल्डर ऑर्डर करना पड़ेगा, तो दो होल्डर्स मैंने ये भी ऑर्डर कर लिए हैं। बुक्स नहीं चाहिए टॉयलेटरी में, ये वाली चीज़ें हम लोग बाद में ऑर्डर करेंगे। और यहाँ पे एसेसरीज भी हमारे पास, इसको भी हम लोग बाद में ऑर्डर करेंगे। टॉवल्स मैंने ऑर्डर नहीं किए हैं, तो चार टॉवल्स मैंने यहाँ पे जो कि ऑर्डर कर लिए हैं। ये चीज़ें हो गई, इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे जो कि ऑर्डर कर ली हैं। और ये डिस्प्ले के लिए रैक्स वगैरह हैं, ये चीज़ें हमें बाद में लगेंगी। अभी बिल्डिंग मटेरियल के लिए हम लोगों को फ्लोर वगैरह चाहिए होगा, तो वहाँ पे जो कि फ्लोर का भी काम अदा रह गया था, तो ये वाला फ्लोर था शायद, ये वॉल के लिए है, फ्लोर के लिए ये चीज़ें, तो ये वाला फ्लोर था, ये मैंने ये वाला ऑर्डर कर दिया है। सभी यहाँ पे जो कि $10 के ही हैं, तो फ़िलहाल के लिए वो वाला ऑर्डर करते हैं। और दूसरा रूम भी हमें रेडी करना है, उसके लिए भी हमें फ्लोर चाहिए होगा, तो मेरे को ये वाला सही लग रहा है, तो इसके चार बॉक्स मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। सीलिंग के लिए अभी फ्लोर नहीं चाहिए, पेंट चाहिए हमें, तो वाइट वाला पेंट मैं यहाँ पे ऑर्डर कर लेता हूँ। 6 मैंने यहाँ पे जो कि वाइट पेंट्स ऑर्डर कर दिए हैं, तो अभी कार्ट में जाते हैं। वैन बिग मैंने यहाँ पे जो कि ट्रक मैंने यहाँ पे जो कि ऑर्डर किया है, टाइम स्लो ही रखता हूँ मैं। और साथ ही में हम लोग यहाँ पे शॉप भी हमारी स्टार्ट करेंगे, तो शॉप के लिए भी हमने यहाँ पे जो कि कुछ चीज़ें ले लेता हूँ, अभी ही ले लेता हूँ मैं कुछ चीज़ें शॉप के लिए, ताकि ट्रक में एक साथ जो कि चीज़ें आ जाएंगी। तो एक पैकेट मैंने ये वाले लेस का ले लिया है, एक ये वाला लेता हूँ, एक ये वाला, और फ्रिंगल्स का यहाँ पे जो कि ये ट्रिंगल्स है, और लेस का टॉस है यहाँ पे नाम। जो भी चीज़ें यहाँ पे जो मेरे को कम प्राइस की दिख रही हैं वो चीज़ें मैं ले लेता हूँ, एक एक पैकेट पॉपकॉर्न भी ले लेता हूँ। $1300 का हमने यहाँ पे जो कि चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, मतलब जितना भी पैसा मेरे पास था सभी मैंने लगा दिया है। आई होप कि हमको रिटर्न भी आए। और थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे फ्यूल भी ऑर्डर करता हूँ, एक $50 का फ्यूल भी ऑर्डर करते हैं, तो $50 का फ्यूल मैंने ऑर्डर कर लिया है, 60 लीटर्स हमें फ्यूल मिलेगा। और यहाँ पे जो कि कार्ट का, तो इसको भी मैंने जो कि ऑर्डर कर दिया है, सभी चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, और $10 सिर्फ मेरे पास बचे हैं, तो बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे जो कि खर्चा कर दिया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। और सेकेंड रूम को मैं भी यहाँ पे जो कि है क्लीन करूँगा, अभी हमारी प्लेयर की जो कि एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, तो इसको सुलाता हूँ मैं कुछ देर के लिए बेड सेट करके। तो एनर्जी यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, बहुत देर मैंने यहाँ पे जो कि हमारे प्लेयर को सुला दिया है। और यहाँ पे हमारा जो कि ये डिलीवरी का ट्रक भी आ चुका है, तो उसको हम लोगों को यहाँ पे अनलोड करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ पे जो कि ऑर्डर की हैं, तो फटाफट से सभी चीज़ों को यहाँ पे मैं अनलोड करता हूँ। तो ये हमारा डबल बेड, बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ पे जो कि ऑर्डर की हैं, तो एक एक करके सभी चीज़ें मैं यहाँ पे जो कि अनलोड करता हूँ। तो यहाँ पे फेंक देता हूँ मैं सभी चीज़ें, देख सकते हैं भाई साहब बहुत सी चीज़ें, फुल हमारा जो कि बड़ा वाला ट्रक यहाँ पे जो कि है सामान लेके आ चुका है। इन्हें मेरे को वेयरहाउस में जो कि है शिफ्ट करना पड़ेगा। काम करता हूँ मैं सभी चीज़ों को वेयरहाउस में ही फेंक देता हूँ, ताकि यहाँ पे जो कि चोरी वोरी का भी चांसेस रहते हैं,
मैं नहीं चाहता कि हमारा जो कि सामान यहाँ पे चोरी हो जाए। इसको यहाँ पे भी इसमें, अरे बाप रे, बेड हमारा अटक चुका है यहाँ पे। बेड को एक काम करता हूँ, मैं लेके जाता हूँ सीधा हमारे रूम 2 के अंदर, ये वाला जो कि बेड मैं सेटअप करूँगा। तो फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे रख देता हूँ, और रूम 2 की भी हमें क्लीनिंग करनी अभी बाकी है। तो ये वाला सामान मैं यहाँ पे जो कि कलेक्ट करता हूँ, तो इसको अंदर ही मैं फेंकता हूँ। आई होप कि यहाँ पे जो कि बैठ जाए सभी सामान। बड़ा वाला ट्रक भर के हमने यहाँ पे जो कि सामान मंगाया है। ये वाला बाथटब और हीटर मैं लेके जाके रूम 1 में ही रख देता हूँ इसको, ताकि थोड़ा इजी रहे बाद में। भाई साहब, बहुत ज़्यादा हमने एक साथ सामान मंगवा दिया यहाँ पे। अभी भी ट्रक में बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेकिन सामान बच चुका है, तो उसको हमें जल्द से जल्द उतारना पड़ेगा। पूरा हमारा वेयर हाउस भी ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कि फुल होने को है, और भी सामान है अंदर ट्रक में। ओ भाई, इसकी आँख देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान हो चुका है। ये वाला आई गेस डोर्स को मेरे को यहाँ पे बाहर में ही फेंकने पड़ेंगे। कोई ना, थोड़ा बहुत सामान मैं ऑफिस में यहाँ पे जो कि फेंकता हूँ। तो यहाँ पे जो कि ये हॉन्टेड टाइप का थोड़ा एरिया है, यहाँ पे फॉक्स वगैरह के साउंड आ रहे हैं मेरे को। तो हमने यहाँ पे जो कि ये ऑलमोस्ट हमारा जो कि सभी सामान को यहाँ पे निकाल लिया है। ये दो चीज़ें बची थी, इसको भी मैंने यहाँ पे जो कि वेयर हाउस में फेंक दिया है। तो हमारे यहाँ पे जो कि डिलीवरी हो चुकी है, एक्स टू फिनिश डिलीवरी। तो डिलीवरी हमारे यहाँ पे जो कि फिनिश हो चुकी है। अब इन डोर्स को मैं यहाँ पे जो कि उठाता हूँ, तो इन दोनों डोर्स को मैंने यहाँ पे जो कि उठा लिया है। अभी इन्हें मैं लेके जाके अंदर वॉशरूम के लिए हमने इन डोर्स को यहाँ पे जो कि है मंगवाया था। तो एक डोर मैंने यहाँ पे जो कि है रख दिया है, और दूसरा डोर यहाँ पे मैंने जो कि लगा दिया है। और यहाँ पे हमें फर्स्ट रूम को सेटअप करना है, तो फर्स्ट रूम हम लोग यहाँ पे फटाफट सेटअप कर लेते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो कि फ्लोर्स का भी काम बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं जो कि फ्लोर का जो भी था उसको मैं यहाँ पे लाता हूँ। बाथटब हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और सिंक को मैं यहाँ पे जो कि प्लेस कर देता हूँ। जो भी चीज़ें हम मेरे को मिलती जाएंगी मैं उन चीज़ों को यहाँ पे जो कि प्लेस करता जाऊँगा। ये वाला जो कि बेड कुछ इस टाइप से लगा देता हूँ मैं। और यहाँ पे जो कि गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लेकिन हमारे होटल के लिए कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, बिकॉज़ हमने यहाँ पे जो कि अभी होटल को सेटअप नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारा जो कि हीटर भी लग चुका है। ये वाला बाथटब को मेरे को दूसरे वाले रूम पे लेके जाके लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लाइट की कमी है, तो यार लाइट भी ऑन करता हूँ मैं। तो ये वाला बाथटब भी यहाँ पे जो कि सेटअप हो चुका है। पहले से यार फर्स्ट रूम हम लोग यहाँ पे पूरा रेडी कर देते हैं, ताकि हमें होटल स्टार्ट करने में थोड़ी बहुत ईजी हो। तो यहाँ पे मेरे को और भी थोड़ी बहुत टाइल्स भी लगानी है, तो टाइल्स को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ से। टेबल कर्टन्स टाइल्स शायद हम लोग यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते, तो मेरे को जाके फटाफट से टाइल्स लानी पड़ेगी। टाइल्स मेरे को वहाँ पे लगानी है।
ये चीज़ चूँकि कर्टन से, हाँ ये वाली टाइल्स मैंने जो कि दूसरे वाले रूम के लिए मंगवाए थे। दो टाइल्स मेरे को मिल चुके हैं, कर्टन्स हैं। एनीवेज जो भी टाइल्स मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं मैं उन्हें लेके जाता हूँ, बिकॉज मेरे को फर्स्ट रूम जो कि है फटाफट से रेडी करना है। कर्टन्स यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। कर्टन्स यहाँ पे लग चुके हैं और ये वाले जो कि टाइल्स हैं यहाँ पे जो कि ये शायद से टॉयलेट लगेगा, तो टॉयलेट हमारा यहाँ पे जो कि प्लेस हो चुका है। इसको यहाँ पे लॉक कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पे लॉक, इसको भी यहाँ पे लॉक और इसको भी यहाँ पे लॉक कर देता हूँ मैं। ये वाले जो कि पेंट के बॉक्सेस हैं इन्हें मैं बाहर फेंक देता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ इन्हें। ऑफिस भी हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो ये वाला बाहर का डोर है हमारा, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बाहर के साइड, सही लग रहा है डोर। और इसको भी मैं यहाँ पे लेके जाके दूसरे रूम में लगे हाथ शिफ्ट इसको भी अटैच कर देता हूँ। रूम टू को भी मैं रेडी कर लेता हूँ फटाफट से, यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। और यहाँ पर पहले लैम्प मेरे को लगानी पड़ेगी, तो लैंप मैंने एक लगा दी है, तो उसका स्विच नहीं मिल रहा मेरे को, जाने देते हैं। और यहाँ पे मैं जो कि फटाफट से इस वाले रूम को भी यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को पेंट वगैरह करना पड़ेगा, पहले तो पेंट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी हो जाए। और बाहर जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही हैं, पेंट मेरे को जाके लाना पड़ेगा पेंट। हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत पेंट पड़ा हुआ है, तो इसको लेके जाता हूँ मैं सेकंड वाले रूम में अपने। फर्स्ट वाला रूम पहले तो रेडी कर लेते हैं, यहाँ से इसे उठाता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। दूसरे रूम पे काम चल रहा है ना, तो इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ये वाली टाइल्स इसके इससे थोड़ी बहुत सिमिलर हैं, तो यहाँ पर बची हुई ये वाली टाइल्स लगा देता हूँ मैं। थोड़ा गंदा सा लग रहा है, एनीवेज अभी सही लग रहा है ना। तो ये वाली टाइल्स मैंने यहाँ पे जो कि लगा दी है। अभी हमें यहाँ पे जो कि जाके रूम वन को ऑन करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे लोग आते रहे। तो ये चीज़ें हैं, इन्हें मैं लेके जाता हूँ अपने जो कि एक वेयर हाउस में शिफ्ट कर देता हूँ इन चीज़ों को। आई डोंट वांट कि चीज़ें चोरी हुए। आई नो कि यहाँ पे जो कि गेम प्ले थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, बट गेम भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। तो इस वाली चीज़ को यहाँ पे मैं जो कि प्लेस करता हूँ, और वेयर हाउस में से यहाँ पे मेरे को टावल लाने हैं, तो एक टावल को यहाँ पे मैं जो कि प्लेस कर देता हूँ नीचे ही। और यहाँ से मेरे को होल्डर और टॉवल रैक यहाँ पे मैंने लगा दिया है, और इसके ऊपर टॉवल हैंग कर देता हूँ मैं। भूल गया था कि मैंने टॉवल रैक जो कि यहाँ पे मंगवाया था। सिंक हो गया, बाथटब, सीलिंग, डोर, पिलो को प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। और ब्लैंकेट को भी प्लेस कर देता हूँ मैं। कर्टन को भी यहाँ पे एक कर्टन को प्लेस कर देता हूँ। ऑल राइट, और क्या चीज़ कर सकते हैं हम लोग, टॉयलेटरी एसेसरीज बुक होल्डर में यहाँ पे जो कि टॉयलेट पेपर होल्डर है, तो इसको यहाँ पे साइड में लगा देते हैं। टॉयलेट पेपर जब भी लाऊंगा मैं वहाँ पे लगा दूंगा। चेयर को यहाँ पे रख देता हूँ। कर्टन हो गए, चेयर, सीट हो गई, टेबल, डेस्क हमारे पास नहीं है, डोर, पिल्लो हो गया, ब्लैंकेट हो गई, बेडशीट। आई गेस बेडशीट हमारी प्लेस हो चुकी है, ब्लैंकेट भी हमारा प्लेस हो चुका है।
अपना जो कि यहाँ पे वो भी प्लेस हो चुका है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, तो हमारा यहाँ पे कि टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे जो कि $100 मिल चुके हैं, कंप्यूटर में जाके हमें जो कि यहाँ पे मॉडल को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मॉडल हमारा स्टार्ट हो चुका है, गैस स्टेशन को भी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। एक बार गैस स्टेशन के पास जाके देखता हूँ, अगर स्टार्ट करने लायक होगा तो यार गैस स्टेशन भी हम लोग यहाँ पे जो कि है स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शॉप अपनी यहाँ पे जो कि है शॉप को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। ये अपना वेयर हाउस है, देखते हैं भाई फर्स्ट कस्टमर आता है या फिर नहीं। फर्स्ट कस्टमर आने तक थोड़ा वेट करते हैं, जब तक मैं यहाँ पे जो कि है सेकेंड रूम अपना जो कि है बना रहा हूँ। तो ये वाली टाइल्स मैंने यहाँ पे जो कि प्लेस कर दी है, यहाँ पे जो कि एक शायद गंदा है इसीलिए यहाँ पे मैं जो कि है नहीं कर पा रहा हूँ। अपना यहाँ पे जो कि हो चुका है गाइस काम, मतलब टॉयलेट का काम ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ऑफिस में जो कि कस्टमर आ चुका है पहला अपना, तो कस्टमर को देखते हैं भाई क्या चाहिए इनको। और 96 आवर्स के लिए हमें वो सिंगल रूम बेड चाहिए भाई, सिंगल रूम वाला जो कि सिंगल बेड वाला रूम चाहिए। तो मैं इनको एक मिनट के लिए होल्ड ऑन करता हूँ और यहाँ से मैं जो कि इनको रूम दे देता हूँ। नो कीज़ ऑन टेबल, ओके ऑल राइट होल्ड ऑन। अरे यार कीज़ कहाँ हैं, क्यू टू रिटर्न ऑल द कीज़। ओके तो कीज़ हमारी आ चुकी हैं, तो यहाँ पे जो कि फर्स्ट की है हमारी, और इनको ये वाला जो कि रूम दे देते हैं फॉर 96 आवर्स एंड अपना रूम रेडी भी है। और $414 की हमें यहाँ पे जो कि फर्स्ट पेमेंट मिल चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। और भाई हमारा कस्टमर यहाँ पे जो कि है बहुत मस्त गाड़ी में आया है, डॉज है शायद ये, तो डॉज में आया है हमारा कस्टमर। तो सही है भाई, फर्स्ट हमारा यहाँ पे जो कि है रूम भी हमने यहाँ पे जो कि रेंट पे दे दिया है, अब सही चीज़ हो चुकी है गाइस। यहाँ पे हमें $400 मिल चुके हैं, $414 फर्स्ट कस्टमर के थ्रू ही। ऑर्डर फ्यूल फॉर फ्यूल स्टेशन, तो फ्यूल भी हमें ऑर्डर करना पड़ेगा बाद में। अभी के लिए 96 आवर्स के लिए हमारा रूम रेंट पे जा चुका है, तो अभी हमें कोई टेंशन नहीं है 96 आवर्स के लिए। तो अभी पेंट मैं ले लेता हूँ फटाफट से, रूम टू भी मैं यहाँ पे जो कि रेडी करता हूँ। बहुत सही रिटर्न मिल चुका है हमें फर्स्ट रूम पे, और फर्स्ट कस्टमर भी है हमारा बहुत लंबे टाइम के लिए रुका हुआ है। पेंट भी यहाँ पे ओवर हो चुका है, तो पेंट मेरे को मंगाना पड़ेगा। तो ये वाला डोर भी मैं लेके जाके सेटअप कर देता हूँ, इन वाले टाइल्स को भी मैं लेके जाता हूँ। डोर यहाँ पे हमारा सेटअप हो चुका है, और टॉयलेट वगैरह मैं अंदर जाके जो कि सेटअप करता हूँ इसका। तो यहाँ पे टॉयलेट लग चुका है हमारा, और ये टाइल्स को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को मैं बाहर फेंक देता हूँ जाते जाते, तो इनको बाहर मैंने फेंक दिया है। जाके मेरे को पेंट लाना है, पेंट करना है वहाँ पे। पेंट होने के बाद बाकी चीज़ें मैं सेटअप कर दूँगा। तो मॉडल की हमारी जो कि है थोड़ी बहुत रेटिंग भी ज़्यादा हो चुकी है, और बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं पेंट के बॉक्सेस प्लेस कर देता हूँ, और फटाफट से यहाँ पे जो कि ये ब्रश लेता हूँ अपना पेंट का, पेंट कलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से। यहाँ पे जो कि पेंट कर देते हैं, ये हमारा जो कि चारों वॉल्स पेंट हो चुके हैं। अब सीलिंग पेंट कर देता हूँ मैं, तो सीलिंग भी हमारी यहाँ पे जो कि पेंट हो चुकी है। अभी हमें जो कि यहाँ पे
टॉयलेट पेंट करना होगा, तो फटाफट टॉयलेट भी पेंट कर लेता हूँ मैं। तो पेंटिंग का काम यहाँ पे भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड ये वाली जो कि सीलिंग स्लाइड में यहाँ पे प्रॉपरली सेंटर में सेटअप कर देता हूँ। और आई डोंट नो, अरे यार डोर क्यों निकल गया। तो यहाँ पे जो कि मेरे को सिंक सेटअप करना है, एक सिंक में यहाँ पे जो कि प्लेस कर देता हूँ। और यहाँ पे जो कि टॉयलेट पेपर भी एक प्लेस कर देता हूँ। साथ ही में यहाँ पे एक टॉयलेट हो चुका है, टॉवल भी यहाँ पे जो कि प्लेस कर देता हूँ। और एसेसरीज टॉयलेटरी बुक होल्डर में यहाँ पे एक टॉवल का रैक है हमारा, टॉवल का रैक। और होल्डर में हमारा जो कि टॉयलेट पेपर का भी रैक है। तो टॉयलेट पेपर इस पर आई डोंट नो, ओके तो यार टॉयलेट पेपर हमारा यहाँ पे जो कि सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो कि है टॉवल भी सेटअप हो चुका है। और ड्रावर क्लोसेट डेस्क टेबल रूम सीट कर्टन यहाँ पे एक प्लेस कर देते हैं कर्टन। ऑलराइट, तो कर्टन भी हमारा यहाँ पे जो कि प्लेस हो चुका है। डोर को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो कि अपनी लाइट ऑफ कर देता हूँ। तो सेकेंड रूम भी हमारा जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कि ये डन हो चुका है। तो यहाँ से मैं जो कि चीज़ें लेके अपने ऑफिस में रख देता हूँ। तो हमारा जो कि सेकेंड रूम भी यहाँ पे जो कि बाहर से कलर हो चुका है। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को यहाँ पे बेड वगैरह सेटअप करना है सिर्फ, और यहाँ पे थोड़ा बहुत तो जो कि डस्ट है इसको क्लीन करना होगा। क्लीन हो चुका है हमारा यहाँ पे जो कि मेरे को बेड को सेटअप करना होगा। तो इसके ऊपर एक पिलो लगा देता हूँ मैं, दो पिलोस। अरे भाई साहब मैं यहाँ पे सो गया, एनीवेज सो के उठ गया मैं। एक और पिलो बिकॉज ये डबल बेड है, तो पिलो हो गया है, सिंक बाथटब सीट कर्टन को हमें यहाँ पे जो कि प्लेस करना पड़ेगा। कर्टन भी हमारा प्लेस हो चुका है। अरे भाई बेड हमारा यहाँ पे जो कि लॉक हो चुका है। और यहाँ पे जो कि है कारपेट नहीं है हमारे पास, इलेक्ट्रिक ड्रावर क्लोसेट डेस्क सीट मैं यहाँ पे रख देता हूँ। वो यहाँ पे शायद से मेरे को एक और ब्लैंकेट और बेडशीट मंगवानी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए हमारा जो कि यहाँ पे फर्स्ट कस्टमर भी अभी तक जो कि चेकआउट नहीं किया है, और हमारा जो कि यहाँ पे डेट भी चल रहा है अभी के लिए। हमने यहाँ पे जो कि है फर्स्ट यहाँ पे हमारा कस्टमर है, और सेकेंड रूम भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो हम लोग यहाँ पे एक और बेडशीट वगैरह मंगवा देंगे। बाकी तो इस वाले एपिसोड में बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग हमारा जो कि यहाँ पे एक गैस स्टेशन और हमारा ये वाला जो कि यहाँ पे शॉप भी जो कि है सेटअप कर देंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जो कि जरूर से सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलता है उसके नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।